हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम साथ में मिलकर डीकोड करेंगे आपके CUET का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस, क्योंकि किसी भी एग्जाम को एस करने के लिए पहले एग्जाम का सिलेबस समझना जरूरी है, स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, तभी तो यू कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। ऐसा ही वीडियो मैंने अपलोड किया था अकाउंटेंसी के लिए भी, आई होप आपने देख लिया होगा। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। नाउ बिजनेस स्टडीज एक बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, आई पर्सनली रियली एंजॉय दिस सब्जेक्ट, और इसमें 100% स्कोर करना वेरी मच अचीवेबल है। थोड़ी अच्छी मेहनत कर लो, स्ट्रैटेजी से चलो, तो इसमें आप 100% डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं। मैंने पिछले दोनों सालों के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डिस्कस किए हैं, 2022 का भी मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था और 2023 का भी मैं कर चुकी हूँ। अगेन लिंक्स मिल जाएंगे आपको वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में, जरूर कवर करना क्योंकि वो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है। बट लाइक यू नो कि एग्जाम जो है वो मल्टीपल डेज में, मल्टीपल शिफ्ट में होता है, तो दैट इज वन पर्टिकुलर पेपर जो मैंने डिस्कस किया है। बट और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं अभी तक CUET में, और मैं आपके लिए वीडियो सीरीज लेकर आऊंगी जहां पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे आपके साथ डिस्कस करूंगी फॉर ऑल दीज थ्री डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। नाउ अगर बिजनेस स्टडीज की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, और 45 मिनट्स में आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर टाइम का इशू नहीं रहता बच्चों को, क्योंकि कोई कैलकुलेशंस आपको नहीं करनी है, तो 45 मिनट्स इनफ होते हैं, उसमें बच्चे अपना पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है वो मोर और लेस तो आपका क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में जो पढ़ रहे हो उससे मैच होता है, बट देर आर सम टॉपिक्स जो आपको एडिशनली कवर करने होंगे, वही मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। ऑल्सो मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी कि कैसे आप 100% स्कोर कर सकते हो अपने बिजनेस स्टडीज CUET एग्जाम में। सो यू नो दिस इज द न्यू वेबसाइट फॉर यू जो आप रेफर करेंगे फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू CUET 2024, exams.nta.ac.in। यहाँ पर जब आप CUET UG में जाएंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन अप हो जाएगा, और यहाँ पर सिलेबस में जाकर आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस चेक कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपके लिए फाइल डाउनलोड कर ली है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। ऑलराइट, सो आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल कि क्या आप पढ़ चुके हो अपने CBSE बोर्ड एग्जाम्स के लिए और क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे, फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू आर गोइंग टू गेट +5 मार्क्स, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर यू आर गोइंग टू गेट -1, यानी नेगेटिव मार्किंग है। और जैसे मैंने आपको अकाउंट्स वाले वीडियो में भी बताया था कि जब आप पेपर दे दोगे और फिर उसके बाद जब आंसर शीट आएगी, आंसर की आएगी, तो उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन के आगे ड्रॉप लिखा हो, विच मीन्स कि या तो वो क्वेश्चन ही गलत है या फिर उसकी ऑप्शंस गलत है, तो NTA ने उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है। और जिन भी बच्चों ने उसे अटेम्प्ट किया है उन्हें +5 मिलेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पर बिजनेस स्टडीज में मैं CBSE के सिलेबस को ध्यान में रख के बता रही हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेपर है ना वो काफी बैलेंस्ड सा होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए पिछले क्वेश्चन पेपर में, पिछले साल के पेपर में। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि 100% यही आपका 2024 के एग्जाम्स के लिए भी होगा, बट एक अच्छा हमें आइडिया मिलता है कि हर चैप्टर में से रफली 3 to 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर चैप्टर में से। मतलब उन्होंने हर चैप्टर को इन अ वे इक्वल इम्पॉर्टेंस दी है, तो ये आपको देखने को मिलेगा अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें। सो द फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें देखो क्या क्या टॉपिक्स है, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, ये सब कुछ आप पढ़ते हो अपने CBSE के लिए भी, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नेचर ऑफ मैनेजमेंट भी आप पढ़ते हो, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी आप पढ़ते हो, मैनेजमेंट के फंक्शंस भी आप पढ़ते हो, और कोऑर्डिनेशन भी पढ़ते हो। यानी यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, एवरीथिंग यू हैव कवर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, इस चैप्टर में भी आप बहुत मेहनत करते हो। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चंस पूछे गए इस चैप्टर में से, जो मैंने वीडियो में भी डिस्कस किया है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस, फ्योल के प्रिंसिपल्स, टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक टेक्निक्स, ये सब भी आप पढ़ते हो, यहाँ कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट में से 2 क्वेश्चंस पूछे गए आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट में से आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए पिछले पेपर में। बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग और इंपॉर्टेंस तो एनीवे आप कवर करते ही हो, डायमेंशंस भी आप पढ़ते हो, बट ये आप अपने
बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ते, तो ये आप एक्स्ट्रा कवर करेंगे. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एंड ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे. देन प्लानिंग चैप्टर में आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए इन द प्रीवियस ईयर पेपर, वही मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, प्लानिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्लान, ये आप पढ़ते ही हो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, वही सेम है. ऑर्गेनाइजिंग में 4 क्वेश्चंस पूछे गए, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल है, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारा आप ऑलरेडी पढ़ते हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है. स्टाफिंग में देखें तो मीनिंग, नीड, इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वैसे तो ये आपका सीबीएसई में होता है टॉपिक, बट मैंने देखा है कि बच्चे इसे अच्छे से नहीं पढ़ के जाते बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बट इसे भी आप कवर करेंगे. स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब सभी मेथड्स आप कवर करेंगे. बोर्ड्स में तो आप बस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग ही अच्छे से पढ़ के जाते हो ना, बट सीयूईटी के लिए आप सभी ट्रेनिंग मेथड्स पढ़ के जाओगे जो भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है. देन उसके बाद डायरेक्टिंग चैप्टर में 4 क्वेश्चंस पूछे गए, इसमें मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स, ये आप नहीं पढ़ के जाते अपने बोर्ड्स के लिए, तो प्रिंसिपल्स कवर करेंगे. एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में सुपरविजन भी आप अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ते, बट आप इसको कवर करेंगे. मोटिवेशन तो आप वैसे ही पढ़ते हो, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यू कवर दिस एनी वे. लीडरशिप में मीनिंग, इंपॉर्टेंस, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर भी आप पढ़ के जाएंगे. कम्युनिकेशन में मीनिंग, इंपॉर्टेंस, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये तो आप कवर करते ही हो अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी. कंट्रोलिंग चैप्टर से 5 क्वेश्चंस पूछे गए, सो दैट इज अ लॉट. इसमें मीनिंग, इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, ये आप पढ़ के जाते हो, बट दिस इज न्यू. टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, ठीक है. देन बिजनेस फाइनेंस, विच इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर, इसमें से 4 क्वेश्चंस पूछे गए आपके लास्ट एग्जाम में. सो मीनिंग, रोल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या पढ़ते वैसे भी हो. फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल, सो नथिंग न्यू हियर, या वैसे भी पढ़ते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए. फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी आप पढ़ के जाएंगे सीयूईटी एग्जाम में. कैपिटल मार्केट की नेचर, टाइप्स, एनी वे यू डू दिस, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट का डिफरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, एनएससीआई, ओटीसीआई, ये भी आप पढ़ के जाएंगे. सेबी तो आप एनीवे पढ़ते ही हो, तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ, और ये मैं आपको कवर करवाऊंगी. ऑल द डिलीटेड टॉपिक्स आई विल कवर, एंड आप वीडियोस को जरूर फॉलो करना. मार्केटिंग चैप्टर में 3 क्वेश्चंस पूछे गए इस चैप्टर से, मीनिंग, फंक्शंस, रोल, डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, ये आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ते, बट अभी आपको पढ़ना होगा. मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट नेचर, क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन भी आपको कवर करनी है जो आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं करते. चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के मीनिंग, टाइप्स और फैक्टर्स डिटर्मिनिंग एज वेल, फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द चॉइस ऑफ चैनल. प्रमोशन में मीनिंग, रोल, प्रमोशन मिक्स, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये भी आप पढ़ेंगे अपने सीयूईटी में एक्स्ट्रा. और ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग, ये भी आप सीबीएसई में नहीं पढ़ते, बट यू विल कवर हियर. प्राइस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग, ये तो एनीवे यू कवर, तो ये तो आपको आता ही है. देन उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपको पढ़ना है. 3 क्वेश्चंस पूछे गए इस चैप्टर में से, इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू डू दिस एनीवे. वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये आपको एक्स्ट्रा कवर करना है. रोल ऑफ एनजीओस तो आप पढ़ते ही हो, और जो रिड्रेसल मशीनरी है वो भी आप पढ़ते हो. नाउ दिस यूनिट और दिस चैप्टर इज कंप्लीटली न्यू फॉर यू. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, 5 क्वेश्चंस पूछे गए इस यूनिट में से इन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. दिस चैप्टर ऑल्सो हम साथ में कवर करेंगे, इसके भी मैं आपको कीवर्ड्स और की लाइन सब कुछ बताऊंगी. इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैं डिस्कस करूंगी. नाउ तो ये जैसे मैंने बोला कि बिजनेस स्टडीज में 100% स्कोर करना वेरी मच अचीवेबल है, स्पेशली अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं. आप कुछ चीजों का ध्यान रखें,
लाइक आई ऑलवेज से कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट पे फोकस करो बच्चे प्लीज. अगर आपने क्लास 12 में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, आपने कोई और बुक से पढ़ा है, ठीक है, बट सीयूईटी के लिए एटलीस्ट कीवर्ड्स और की लाइंस कोशिश करो मेमोराइज करने की. इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको उस वीडियो में भी बताई है जहां पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है. मुझे पता है कुछ बच्चों को एनसीईआरटी बिल्कुल पसंद नहीं होती क्योंकि बहुत ही डल ड्रैप बोरिंग तरीके से उसमें लिखा हुआ है, बट फिर भी एनसीईआरटी ही वो बुक है जो आपको 100% दिला सकती है. देन कंप्लीट करो अपने सिलेबस को. कोई भी टॉपिक आप छोड़कर नहीं जाएंगे, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अगर आप ये छोड़कर जाओगे तो सीधा 4 से 5 क्वेश्चन तो आप वहां अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे. 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं तो स्ट्रेट अवे हम 5 क्वेश्चंस ऐसे ही लेट गो नहीं कर सकते. तो प्लीज आप सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे सबसे पहले जब आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, आप डिलीटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में आपने नहीं पढ़े. उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी और आप कोई बुक भी ले सकते हैं उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं. बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें क्योंकि सीबीएसई के जो क्वेश्चंस हैं और सीयूईटी के जो क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली उनके लेवल में डिफरेंस होता है. देन बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स आप दें. जब आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स दें, आपका टाइम मैनेजमेंट भी इससे अच्छा हो जाएगा. और क्योंकि ये एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो आप भूल सकते हो चीजें, इसलिए कीप रिवाइजिंग. हर रोज आप पढ़ोगे, हर रोज आप रिवाइज करोगे तो आप डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे बिजनेस स्टडीज में. कोई और अगर आपकी वीडियो रिक्वेस्ट है सीयूईटी से रिलेटेड तो मुझे कॉमेंट्स में लिखकर बताना एंड आई विल होल्ड योर हैंड थ्रू आउट दिस जर्नी एंड हम आपको पहुंचाएंगे आपके ड्रीम कॉलेज में. तो स्टे कनेक्टेड. चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.